दोस्तों, आज हमारे बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा बताई गई कविताएं, मुहावरे जो हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हैं, जिनसे अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो आप एक अच्छे इंसान, साथ में एक सक्सेसफुल मैन और डेडिकेटेड पर्सन तो ज़रूर बनेंगे। उनकी कुछ कविताएं हैं कि जुझने का मेरा इरादा न था, मोर पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा कि जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर के जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊं कूद से क्यों डरूं, तू दबे पाऊं चोरी छिपे ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, साम हर सुरमाई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं है कि कोई गम ही नहीं है, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं है, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोर तेज तूफान है, नाव भंवरों की हवाओं में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई। कितनी सुंदर कविता है ये, जो वाकई बताती है कि हाँ यार, लाइफ में सब कुछ एट द एंड नहीं होता, कुछ तो करना है यहाँ से। आगे उनकी एक और कविता है, सच्चाई यही है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपने से कटा बटा, सुनने में अकेला खड़ा होना, पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है, ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है, जो जितना ऊंचा है उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। और आगे उन्होंने कहा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। और उनकी सबसे बेहतरीन लाइन जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है, उन्होंने लिखा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, और मूर्ख नहीं महान झुकता है, धरती नहीं आसमान झुकता है, और हमारी विनम्रता का गलत अर्थ ना निकाल लेना है पाकिस्तानियों, और ये मत समझ लेना कि हिंदुस्तान झुकता है। तो दोस्तों, ये थी उनकी कुछ कविताएं, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कहीं वो कविता, वो दोहे, वो बातें और वो सीख जो सालों सालों निरंतर चलती रहेंगी और उनको अमर बना के रखेंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।